हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोमेड अनुराग। आज का व्लॉग होने वाला है थाईलैंड से रिलेटेड और थाईलैंड के एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो बी रेडी फॉर इट। इस खूबसूरत से पार्क से होते हुए हम जा रहे हैं थाईलैंड के बहुत ही फेमस टेंपल में, ग्रैंड पैलेस। ये जस्ट कुछ मिनट ही दूर है यहाँ से, और जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मिला मुझे पार्क, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। और जाते जाते मुझे गाना याद आ गया, चलते चलते यही रुक जाता हूँ मैं, और वो गाना इस पार्क में शूट होता तो क्या बात थी। चलते चलते टुक टुक वाले भैया मिल गए, पूछने लगे चलेंगे आप हमारे साथ। नहीं नहीं भैया, हमें नहीं जाना है, हम जाने वाले हैं चलते चलते बाय वॉकिंग टू द ग्रैंड पैलेस। और सामने भी बहुत ही खूबसूरत सा टेंपल है, लेकिन हम देखते हुए थाईलैंड के ब्यूटीफुल नज़ारे, जो कि दिन में जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत हमारे रात में भी है, उसको देखते हुए हम जाएंगे। टूरिस्ट थोड़े कम लग रहे हैं, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी फ़िलहाल कोविड ख़त्म हुआ है। लेकिन हाँ, जिनसे भी मैं मिला हूँ, मेरे हॉस्टल में भी काफ़ी टूरिस्ट थे। मैं आपको अगले व्लॉग में अपना हॉस्टल दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत सा हॉस्टल था। और या टूरिस्ट अभी कम है, नाइट लाइफ में ज़्यादा टाइम में टूरिस्ट बाहर निकलते हैं थाईलैंड का, डे टाइम ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं करते, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही इन्जॉय करते हैं। और हम वो हैं जो डे में भी इन्जॉय करते हैं और रात में भी इन्जॉय करते हैं, सो बहुत ही खूबसूरत है थाईलैंड। तो ये वही पार्क है जो अभी हम अंदर से विज़िट किए थे, और बाहर से भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके जस्ट सामने जो ये टेंपल है, इसमें हमने विज़िट किया था लास्ट व्लॉग में, आप चेक कर सकते हो। अब आने वाली है एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को देख के आप फील करोगे कि हाँ, ये वाकई में रॉयल है, इट्स लाइक अ रॉयल पैलेस। सो लेट मी शो यू। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और इसमें ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा कमरे हैं। इसके बाहर आप देख सकते हैं वो कैनन्स हैं, और ये ग्रैंड पैलेस से पहले रॉयल पैलेस का मिल जाना बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग को क्रॉस करके आइए, चलते हैं ग्रैंड पैलेस में एंट्री। और ग्रैंड पैलेस के एंट्री देखकर पता लगता है कि वाकई में ये बिल्डिंग थाईलैंड और बैंकॉक की सबसे शानदार पैलेस है। बहुत यह है हार्ट ऑफ बैंकॉक में स्थित, और जस्ट रिवर जो यहाँ की मेन रिवर है चाओ, उसके जस्ट पास में ही ये पैलेस है। ये किंग्स जितने भी थाईलैंड के अभी तक हुए हैं सभी का ये मेन निवास माना जाता है, और बिल्कुल रॉयल फीलिंग आती है जब हम इसमें एंटर करते हैं। इसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है। जैसे जैसे किंग्स आते गए, उन्होंने इसमें कई सारे डेवलपमेंट्स किए, नए बिल्डिंग्स का निर्माण किया है, तो हम जैसे एंटर करेंगे आपको और इसकी भव्यता को दिखाऊंगा मैं। आप देख सकते हो टेंपल ऑफ एमराल्ड, जो कि बुद्धा का एक बहुत ही फेमस टेंपल है इसमें, और थाईलैंड के लोग धार्मिक माने जाते हैं और ये बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर बुद्ध के काफ़ी टेम्पल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है हर एक टेंपल का। आप लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो तभी यहाँ की रॉयल जो आर्मी है उसका मार्च देखने को मिला, और बहुत ही खूबसूरत था। मन खुश हो गया लास्ट में जब उनका मार्च देखने को मिला। और इसी के अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले हैं बहुत ही शानदार व्लॉग, और आपके नए यूट्यूबर, आपके नए ट्रैवलर दोस्त को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये व्लॉग देखने के लिए। और आने वाले व्लॉग्स में आप काफ़ी एक्साइटेड होने वाले हो, टेस्ला से रिलेटेड